इस वक्त की खबर आ रही है कोटा से, जहां पर आप सभी को बता दें कि कोचिंग सिटी कोटा में दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। रावतभाटा रोड के पास में जंगल में एक शव मिला। कोचिंग छात्रा का यह शव बताया जा रहा है, तो सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर रवाना भी हुई। हत्या की आशंका पर FSL की टीम को भी मौके के ऊपर बुलाया गया। यह हत्या है या आत्महत्या, इसको लेकर के अभी भी असमंजस बना हुआ है। कोचिंग छात्रा की दो दिन पहले ही जवाहरनगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी, तो वहीं प्राथमिक तौर पर छत्तीसगढ़ निवासी गुमशुदा नाबालिग छात्रा का बताया जा रहा है शव। फिलहाल दोनों ही एंगल से पड़ताल अभी पुलिस कर रही है और जंगल में कोचिंग छात्रा का शव मिलने का मामला सामने आया है। गुजरात निवासी एक छात्र के साथ जंगल में गई थी छात्रा, तो वहीं सिटी SP केसर सिंह शेखावत गुजरात पुलिस के संपर्क में बने हुए हैं। छात्र की कोटा आने और छात्र के साथ जंगल में जाने की पुष्टि भी हो चुकी है। आरोपी छात्र की गिरफ्तारी से होगा हादसे का बड़ा खुलासा, तो वहीं पुलिस इसे आत्महत्या से ज़्यादा मान रही है हत्या का मामला। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुभव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अनुभव, अभी हाल ही के अंदर एक कोचिंग छात्रा का शव मिलता हुआ नजर आया है, इस मामले के अंदर अभी क्या कुछ चला है, सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए पुलकित जी, अभी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि यह 17 वर्षीय छात्रा है जो कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली थी और कोटा के निजी कोचिंग संस्थान से नीट की तैयारी कर रही थी, जिसका शव रावतभाटा के जवाहरनगर के जंगलों में बुधवार को मिला था। और इसकी छात्रा की जवाहरनगर थाने में दो दिन पहले ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी और यह कोटा के विद्यानगर की रहने वाली थी और यह कोटा से नीट की तैयारी कर रही थी कोटा में। तो अभी इसके अंतर्गत इसके साथ में एक और छात्र के होने की बात सामने आ रही है। हाँ, इसमें जो पुलिस द्वारा जो जांच पड़ताल करी है, जो इसका शव मिलने के बाद में पुलिस ने आसपास कोचिंग संस्थानों के और जहाँ पर ये हॉस्टल में रहती थी वहाँ के CCTV फुटेज खंगाले, तो उसके आसपास एक लड़के के साथ में स्कूटी पर बैठे कर निकलने की बात सामने आई है और जहाँ तक अभी ये ख्याल है कि पुलिस ने उसको गुजरात में गिरफ्तार भी कर लिया है, पर हालांकि अभी ये आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है इस चीज की। और जो छात्र है वो गुजरात का रहने वाला है और सोशल मीडिया के थ्रू इनकी जान पहचान हुई थी और लड़का कुछ दिन पहले ही इससे मिलने आया था और क्या नाम से उसके बाद ही इन दोनों की जान पहचान हुई थी और छात्रा अपने हॉस्टल में ये कोचिंग का नाम लेकर निकली थी, जिसके बाद से ये नहीं उसके बाद से ये हॉस्टल नहीं पहुंची है। अनुभव, इस मामले के अंदर अभी परिजन हुआ क्या कुछ कहना सामने आ रहा है? फिलहाल परिजन को जो शव है वो सौंप दिया गया है और अभी परिजनों से बात नहीं हो पाई है। फिलहाल SP अपने कोटा सिटी SP उन्हीं से बात हो पाई है, उनका कहना है कि जो सूचना मिली थी आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे और FSL टीम की भी मौके पर पहुंचे थे और जो हत्या कैसे हुई है यह तो पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा, फिलहाल अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है। और जो पुलिस है वो हत्या और आत्महत्या दोनों ही तरीके से जांच पड़ताल कर रही है। चलिए अनुभव, ज़्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।